हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया एंड आई एम पुष्पांजलि चालिया। आज हम लोग हिंदी क्लास 4 की हिंदी बुक से थप रोटी थप दाल जो पार्ट नंबर 10वीं है उसका प्रश्न उत्तर रिवाइज करेंगे। तो रिवीजन से आपका चैप्टर भी आपको एक बार मेमोराइज हो जाएगी और आपके टेस्ट जो क्लास टेस्ट होने वाले हैं उसमें भी आपके अच्छे मार्क्स आने लगेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। कोई और शीर्षक, सभी ने इस लेसन को थप रोटी थप दाल जो कि एक मंच में दर्शाया गया एक नाटक के ऊपर है वो जरूर आपने की होगी। इस नाटक को आप लोगों ने खेला भी होगा। अब इसमें प्रश्न है कि नाटक का नाम थप रोटी थप दाल क्यों है, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? उत्तर, नाटक का नाम थप रोटी थप दाल इसलिए है क्योंकि इस नाटक में सारे बच्चे मिलकर रोटी और दाल पकाने का खेल खेलते हैं। इस नाटक का दूसरा नाम अगर रखने के लिए कहा जाए तो हम लोग ऐसा शीर्षक रखेंगे कि बिल्ली खा गई रोटी भात, किसने रोटी दाल चुराई। आवाज वाले शब्द, थप रोटी थप दाल, थप शब्द से लगता है किसी तरह की आवाज है। आवाज का मजा देने वाले और बहुत से शब्द है जैसे टप खट, ऐसे ही कुछ शब्द तुम भी लिखो जैसे खर घर फुर चट धम छान टन सु आदि। इस तरह के कई सारे आवाज होते हैं जिससे कि हम लोग खर खर की आवाज करने से कुछ बातें ऐसे ही समझ जाते हैं जैसे कि जब चूहा घर में खर खर करती होगी या ऐसा ही कुछ अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। और उन्हीं बातों में हम लोग ऐसी आवाजों को जो स्पेशल कुछ होते हैं उन आवाजों को हम यूज करते हैं। कौन कौन से खेल, इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो? उनके नाम लिखो। हम अपने साथियों के साथ अक्कड़ बक्कड़ खेलते हैं, आंख मिचौली खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, रस्सी कूदना खेलते हैं, लेकिन अभी हम लोग हमारे दिनों में खेलते थे, अभी आपके दिनों में आप लोग क्या खेलते हैं उसे लिखो। सोच कर बताओ, नीनी चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी? उत्तर, चुन्नू और टिंकू को आग जलाना तक नहीं आता था, वे अच्छी तरह दाल बनाना भी नहीं जानते थे। नीना चाहती होगी कि जब वह दोनों आग जलाने और दाल बनाने में परेशान होंगे तब वे सब उन दोनों पर हंसेंगे और मजा लेंगे। नेक्स्ट, बच्चों ने खाने पीने की चीजें छींके में क्यों रखी? छींके की तस्वीर आप अपने कॉपी में एक साइड में ड्रॉ कीजिए जो कि छींका जिसमें कि सामान रखा हुआ था उसी को छींका कहते हैं, इसे अच्छे से ड्रॉ कीजिए, बात आप लोग लिखिए। बच्चों ने खाने पीने की चीजें इसलिए छींके में रखी होगी ताकि कोई उन्हें चुरा न सके। छींका जब जो कि ऊपर लटका होता है तो कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, उन्हें ऐसा लगा। उन्होंने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया? उत्तर, चुन्नू ने मुन्नी आदि लड़कियों को चिढ़ाने के लिए दाल को पहले खट्टा बताया, परंतु जब मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखने लगी तब डर कर उसने मीठा बता दिया। तुम्हारी कुछ बातें, तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है? तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो? नीचे दी गई तालिका में लिखो। खाना कौन बनाता है? मम्मी बनाती है। मैं क्या मदद करती हूँ? मैं उन्हें छोटी छोटी चीजें लाकर दे सकता हूँ, सब्जी धोने काटने में उनकी मदद कर सकता हूँ। मैं क्या मदद करता हूँ? मैं उनके मांगने पर चीजें लाकर देता हूँ, मैं कभी कभी सब्जी धो देता हूँ और काट देता हूँ। इसी तरह से आप लोग भी मदद करते होंगे तो उसी तरह से आप उसका उत्तर भी लिखेंगे। अब तुम क्या बनाती? प्रश्न, इन बच्चों की जगह तुम होती तो खाने के लिए कौन से पकवान बनाती? उन्हें बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती, पता करो और सूची बनाओ। पकवान का नाम एक तरफ लिखिए और किन चीजों की जरूरत होती होगी उस पकवान को बनाने में वह एक तरफ लिखिए, जैसे कि पूड़ी, आटा, घी, पानी, इनकी जरूरत होगी। हलवा, हलवा बनाने के लिए सूजी, घी, चीनी, काजू, बादाम, किशमिश, पानी आदि जरूरत होगी। सब्जी बनाने के लिए आलू, टमाटर, सरसों का तेल, मसाले, नमक, प्याज, लहसुन, पानी आदि की जरूरत होगी। अब मट्ठा बनाएं। सरला ने कहा मैं दही का मट्ठा चला लूंगी। दही का मट्ठा चलाने का मतलब है दही बिलोना। जो मट्ठा चलाया जाता है एक रस्सी से ऐसे
घुमा घुमा के, तो उसे क्या कहा जाता है, दही बिलोना। दही से लस्सी या छाछ बनाना। सरला को इस काम के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी, उनके नाम लिखो। दही, हांडी, रई और पानी। एक तो दही चाहिए होगा, फिर हांडी जिस बर्तन में दही को डालेंगे वो हांडी चाहिए होगा। देन रई, जिस जिस डंडी से इसको मठा जाता है उसे रई कहते हैं, रई चाहिए होगा। देन पानी चाहिए होगा। बिलोना, घोलना, फेंटना, इन तीनों कामों में क्या फर्क है, बातचीत करो और पता लगाओ। बिलोना, जब किसी चीज को रई आदि से मथते हैं तो उसे बिलोना कहते हैं, जैसे दही बिलोना। घोलना, जब किसी तरल पदार्थ में कोई घुलने वाली चीज पूरी तरह मिला दे तो उसे घोलना कहते हैं, जैसे दूध में शक्कर घोलना। फेंटना, जब किसी चीज को हाथ की उंगलियों से पूरी तरह मिला देते हैं तो उसे फेंटना कहते हैं, जैसे पानी मिलाकर बेसन फेंटना। आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट, किन्हीं दो चीजों के नाम बताओ जिन्हें बिलोते, घोलते और फेंटते हैं। बिलोते हैं दही को और पकी हुई दाल को, घोलते हैं दूध में शक्कर, पानी में नमक, फेंटते हैं दवा में शहद, पानी के साथ बेसन। सरला ने रई से मट्ठा बिलोया। रई को मथनी भी कहते हैं। रसोई के दूसरे बर्तनों को तुम्हारे घर की भाषा में क्या कहते हैं, कक्षा में इस पर बातचीत करो। मीन्स आपको अपना भाषा पहले जानना बहुत जरूरी है और साथ में हिंदी और इंग्लिश को भी जानना जरूरी है। तो पहले जो हमारी मातृभाषा होती है उसे हमें जानना जरूरी है। जैसे कि तवा, चकला, भगोना, चिमटा, इन सब वर्ड्स को आपके भाषा में क्या कहते हैं। तवा को मेरे ख्याल से तवा ही कहते होंगे। चकला, जो चकले से, चकला को पता नहीं आपके में क्या कहते होंगे, आप लोग अपने घर में बड़ों से बात कीजिए तभी पता चलेगा। भगोना, चिमटा, कड़ाही, बेलन, कटोरी, चाकू, कलछी, छलनी, चमचा, परात, कद्दूकश, पतीला, चम्मच, कुकर। तो इन सबको आपके भाषा में क्या कहते हैं ये जरूर जानने की कोशिश कीजिए। आओ तुकबंदी करें। नाटक में बच्चों ने अपनी बात को कई बार कविता की तरह कहा है, जैसे टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। अब तुम नीचे लिखी पंक्तियों में कुछ जोड़ो, जैसे घंटी बोली टन टन टन, चलो चले घर को फौरन, कहाँ चले कहाँ चले, मम्मी पापा जहाँ चले। रेल चली भे रेल चली, छुक छुक करती रेल चली, कल की छुट्टी परसों इतवार, चलो घूमने चले सब यार, रोटी दाल पकाएंगे खूब मजे से खाएंगे। इस तरह से तुक मिलाते हुए, राइमिंग वर्ड्स को डालते हुए उसी को तुक मिलाना कहते हैं, जिसकी जो शब्द सुनने में एक जैसी होती है। तो आप लोग और भी बना सकते हैं सेंटेंस। और आज का रिवीजन ठप रोटी ठप दाल का यहीं तक है। आप लोग जरूर रिवाइज कीजिए। अगर इस नाटक को आपने नहीं पढ़ा है, इस चैप्टर को आपने नहीं पढ़ा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही उसका लिंक डाल दूंगी, जिसे क्लिक करके आप पूरा लेसन को भी पढ़ सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और जो सब सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल। थैंक यू।